आज जो केस मैं आप सभी को बताने वाला हूं, उसको सुनने के बाद दो तरह के लोग सामने आएंगे, एक वो जो इसको सच मानेंगे, एक वो जो इसको फेक बोलेंगे। बट ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे मानते हैं। बट मैं ये मानता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद या फिर अभी लाइक बटन के ऊपर जरूर अपनी उंगली को दबा देंगे और साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक करेंगे। पिक में तो जरूर लिखेंगे आप कमेंट्स में, ताकि अगली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। आज इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के यूटा में बने हुए रेगिस्तानी इलाके में जाना पड़ेगा, और इसी रेगिस्तानी इलाके के बिल्कुल बीचों बीच 500 एकड़ का एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिसे आज हम स्किन वॉकर रेंच के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में जमीन का टुकड़ा आज से नहीं बल्कि तकरीबन 200-300 सालों से श्रापित है, और इसे किसी और ने नहीं बल्कि वहां पर बसने वाले सबसे पहले अमेरिकन ट्राइब्स में से एक नावाहो ट्राइब ने श्रापित करके इसे छोड़ा था। क्योंकि नावाहो ट्राइब के बसने के कुछ दशकों बाद ही यूट्स नाम के लोकल लोगों ने इस जमीनी टुकड़े के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और जो पहले से नावाहो ट्राइब के लोग यहां पर रह रहे थे उनको अपना गुलाम बना लिया, और गुलाम बनाकर लोकल अमेरिकी लोगों को उनको बेचना शुरू कर दिया। जैसे ये बिकना शुरू हुए, यहां पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे नावाहो ट्राइब वाले, इसलिए उन्होंने अपने आप से ही इस जगह को श्रापित करके छोड़ दिया। जिसके बाद समय बीतता रहा और खास तौर पर इस जमीनी टुकड़े पर अलग अलग मालिक यहां पर आए जिन्होंने इस जमीनी टुकड़े को खरीदा, और वो बहुत जल्दी में इसे बेचकर आगे भी निकल गए। क्यों? क्योंकि उन सभी का यह मानना था कि यहां पर रहते हुए उनको अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। और फाइनली सन 1994 यानी कि 1994 में टेरी और वैन शर्मन नाम के एक परिवार ने इस 500 एकड़ जमीनी टुकड़े को खरीदा। टेरी और उसके परिवार वालों को लग रहा था कि उनके लिए तो एक सुपर डील हो चुकी थी, क्योंकि उनको ये पूरा का पूरा जमीनी टुकड़ा बहुत ही कम दामों में मिल गया, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थे। उनके पास काफी सारे पालतू जानवर भी थे, तो 500 एकड़ के इलाके में उनके जानवर आराम से घूम फिर भी सकते थे, आराम से घास वगैरह चर सकते थे। उन्होंने जब पहली बार इस जमीनी टुकड़े को देखा तो वो ये चीज समझ चुके थे कि ये उनके लिए एकदम परफेक्ट है। बट इस पूरे जमीनी टुकड़े के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत बड़ी एक हवेली सी बनी हुई है। जो पहले इस जमीन के टुकड़े के मालिक थे उन्होंने यहां पर यह हवेली बनवाई थी, और अब यह हवेली भी टेरी और उसके परिवार के पास जाने वाली थी। खैर, जैसे ही टेरी और उसका परिवार पहली बार इस हवेली के अंदर घुसा, उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि यहां इस पूरी हवेली के दरवाजे ना सिर्फ अंदर की साइड बल्कि बाहर की साइड भी खुलते हैं, मतलब कि दोनों तरफ खुलने वाले थे। बट इस पूरे के पूरे हवेली के दरवाजों के अंदर बहुत ही बड़े बड़े नट बोल्ट्स लगाए गए हैं। ऐसा किया गया है जैसे अगर कोई नट बोल्ट्स को कस दे तो ये दीवार जैसे बन जाएंगे, मतलब कि कोई इन्हें फिर खोल ही नहीं सकता। प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। इसके अलावा हर नट बोल्ट के साथ काफी लंबी लंबी चैन्स भी बांधी गई थी। अब उन चैनों का काम क्या था, इसे टेरी और उसके परिवार को कुछ लेना देना नहीं था, और आज तक उन चैनों का काम मुझे भी समझ नहीं आया। सो पूरे परिवार को यह घर देखते ही बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने तुरंत ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें अपना सारा सामान लेकर आना है और यहाँ शिफ्ट करना है। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने पुराने घर से सारा सामान ट्रकों के अंदर लोड करवाया, और उनके काफी सारे रिश्तेदार भी इस घर का मुहूर्त करने के लिए और साथ ही उनका ट्रक से सामान उतरवा कर अंदर रखवाने में हेल्प करने के लिए इस पूरी हवेली पर इकट्ठा हो चुके थे। ट्रक्स भी, दो तीन जो ट्रक थे इनके जिनके अंदर पूरा इनका सामान भरा हुआ था, वो ट्रक्स भी अभी इस हवेली के सामने खड़े थे। और जल्दी ही देखते ही देखते सभी लोगों ने एक एक करके उस ट्रक से सारा सामान निकाल निकाल कर अंदर हवेली में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। बट जिस टाइम पर ये सारा काम वो कर रहे थे, ये ऑफलोडिंग वाला ट्रक से सामान निकाल कर अंदर रखने वाला, उसी टाइम पर टेरी ने ये चीज नोटिस करी कि सामने, अब ये क्योंकि पूरा बहुत बड़ा एक रेगिस्तानी सा इलाका था, तो सामने जो ट्री लाइन थी, जो सामने पेड़ों के जो बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों के पास ही उसने एक बहुत ही बड़े भेड़िए को घूमते हुए देखा। तो जैसे ही टेरी ने इस भेड़ियों को देखा, वो उसको जस्ट देखता ही रहा, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, उसने किसी को बताया भी नहीं कि सामने एक भेड़िया है। और वो इसको देखकर इतना ज्यादा शॉक हो चुका था, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सामने भेड़िया इधर उधर घूम रहा था उसकी आंखों के सामने, उसका साइज नॉर्मल से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा था। तो जैसे ही बाकी लोगों ने ये नोटिस किया कि टेरी किसी चीज को सामने देख रहा है, तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे कि आखिर टेरी किसको देख रहा है। तो सभी ने सामने देखा कि एक भेड़िया है जो इधर उधर घूम रहा है पेड़ों के पास, और उसका साइज नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये चीज आम लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए तो डराने वाली हो सकती है, बट इस परिवार के लिए डराने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही इस चीज के लिए तैयार थे कि उन्होंने जंगलों के बीच में ये घर लिया है, और यहां पर जंगली जानवर दिखना बहुत आम बात है। उनके पास कुछ हंटिंग राइफल्स वगैरह भी थी जिससे वो
अपने पालतू जानवरों के साथ साथ अपनी भी रक्षा कर सकते थे। अगर ये भेड़िया उनके पास आता तो वो ऑब्वियसली वो बंदूक उठाकर उसके ऊपर चला देते और वो भेड़िया वहीं मर जाता। सारे परिवार वालों के सामने देखते ही देखते वो जो सांप जैसे जिस तरीके से चलता है बिल्कुल उसी तरीके से जिगजैग करते हुए वो बहुत बड़ा भेड़िया धीरे धीरे उनके पास आने लगा। उन्होंने अपने इस पूरे हवेली के चारों तरफ 6-6 फीट लंबी फेंसिस लगा रखी थी, 6-6 फीट लंबी कांटों की तार लगा रखी थी। और जैसे ही वो भेड़िया चलते चलते उन तारों के पास आया तो सोचकर देखिए उसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि उसका सिर इन 6 फीट वाली फेंसिस से भी ऊपर की तरफ आ रहा था। जैसे ये चीज पूरे परिवार ने देखी वो बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने अपने ट्रक के अंदर वो बंदूकें ढूंढनी शुरू करी जो उन्होंने अपनी हंटिंग राइफल साथ में ले रखी थी। जल्दी ही उन्होंने 3 बंदूकें अपने साथ निकाली। टेरी के पिता भी वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने अपने हाथ में कोई गन नहीं पकड़ी और जल्दी ही वो भेड़िया उन फेंसिस के ऊपर से कूदते हुए इस पूरे परिवार के पास आ चुका था जहां ट्रक्स खड़े थे। वहीं पर अब ये भेड़िया आया और सीधा जाकर टेरी के पिता के पास खड़ा हो गया। उसने किसी भी परिवार वाले को कुछ नहीं कहा, बट यहां सभी परिवार वाले बहुत ज्यादा चिंतित थे कि ये इतना बड़ा भेड़िया इनके सामने खड़ा है, कुछ ही फुट दूर खड़ा है और ये चाहे तो एक ही सेकंड में पूरे परिवार को निपटा सकता है। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जस्ट टेरी के पिता ने उस भेड़िए के ऊपर कुछ इस तरीके से सहलाया और सहलाते सहलाते वो भेड़िया आगे की तरफ निकला और अगले ट्रक में गया, जिस ट्रक के अंदर यहां इस परिवार के कुछ पालतू जानवर आराम से खड़े थे। वो वेट कर रहे थे कि कब उनको इससे नीचे निकाला जाएगा। बट इससे पहले कि वो नीचे निकालते, ये जो भेड़िया उस ट्रक के पास गया था उसने सामने देखा कि एक गाय का छोटा सा बच्चा अपना ट्रक से मुंह बाहर निकालकर कुछ उसे देख रहा है। और एट द मोमेंट जैसे इस भेड़िया ने देखा वो तुरंत उसके ऊपर कूद कर पड़ा। उसने सीधा इस बछड़े का मुंह अपने मुंह के अंदर लिया और उसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करने लगा। अब क्योंकि बीच में वो ट्रक का लोहा था जिससे बेचारा गाय का बच्चा वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाया, बट उस भेड़िया ने अपना पूरा जोर लगाया इस बच्चे को बाहर की तरफ निकालने का। लेकिन अब इस परिवार को भी तो ऑब्वियसली अपने पालतू जानवरों की रक्षा करनी थी, तो 3 गन्स जैसे ही उनके पास थी उन तीनों ने मिलकर सीधा अपनी हंटिंग राइफल्स उस भेड़िए के ऊपर चलानी शुरू कर दी। उनको लग रहा था कि एक एक गोली वो तीनों मारेंगे इसको तो यहीं पर मर जाएगा, बट उन्होंने अपनी पूरी की पूरी हंटिंग राइफल उस भेड़िए के ऊपर खाली कर दी। उसको कुछ भी नहीं हुआ, लिटरली उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो हिला भी नहीं, उसके शरीर से खून तक नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ही वो गोलियां चला रहे हैं ये गोलियां उसके शरीर में लगकर अंदर ही गायब हो जा रही हैं। उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ा, वो जस्ट उसको बाहर निकालने में लगा हुआ था। बट किस्मत से वो गाय का बछड़ा उससे बाहर नहीं आया, जिससे परेशान होकर उस भेड़िए ने उसको वहीं ड्रॉप किया और वापस मुड़ा और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो आया था उसी डायरेक्शन में उन फेंसिस के ऊपर से कूदते हुए आगे जंगलों की तरफ चला गया और वहीं पर गायब हो गया। उस भेड़िए के गायब होते ही टेरी और उसके रिश्तेदार जो भी वहां पर खड़े थे उन्होंने सोचा कि यहां हमारी प्रॉपर्टी के अंदर ये भेड़िया इस तरीके से घुस आया है और हमारे पास पालतू जानवर भी हैं, हमारे घर में बच्चे भी हैं और भी लोग हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा और अच्छा होगा कि हम इसे अभी के अभी ट्रैक करके ये जहां गया है वहीं पर जाकर इसको मार डालें तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो तीनों ने वापस अपनी हंटिंग राइफल उठाई, उसके अंदर गोलियां लोड करी और उसके फुटप्रिंट्स जो थे उसके पीछे पीछे चलते हुए आगे की तरफ गए, जंगलों की तरफ गए और वहां जाकर उन्होंने उस भेड़िया को ढूंढना शुरू किया। अब क्योंकि उस जंगली इलाके में बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ था तो बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहे थे इस भेड़िया के फुटप्रिंट्स कि वो किस तरफ गया है। उन्हीं फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए ये तीनों लोग इस जंगल में पहुंचे, बट सडनली वो फुटप्रिंट्स वहां से गायब हो गए। जैसे ही उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि ये आखिर गायब कहां हो गया, यहां तक फुटप्रिंट्स हैं, यहां भी कीचड़ वाली मिट्टी है, आगे भी कीचड़ वाली मिट्टी है, तो अगर वो किसी भी डायरेक्शन में जाने वाला था तो उसके फुटप्रिंट्स तो कम से कम यहां पर होने चाहिए थे, बट उसके कोई फुटप्रिंट इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाई दिए। उन्होंने आसपास बहुत देखा, थक हार कर वो वापस अपनी गन्स को लेकर अपनी प्रॉपर्टी में आए, आकर परिवार वालों को बताया कि हमें तो वो भेड़िया वहां पर मिला ही नहीं, एकदम से उसके फुटप्रिंट भी गायब हो गए। लेकिन इस टाइम पर इस पूरे परिवार वालों ने एक चीज नोटिस करी कि जिस टाइम पर ये भेड़िया उनके पास आया था उस टाइम पर तो सब कुछ ठीक था, बट जिस टाइम पर वो यहां से गया वो जाते जाते अपने साथ एक बहुत ही गंदी सी स्मेल, केमिकल की स्मेल यहां पर छोड़ कर गया जिसने सभी के नाकों को सड़ा डाला। और ये चीज सभी ने बिल्कुल अच्छे से नोटिस करी कि यहां पर एक अजीब सी स्मेल है, ये पहले नहीं थी, जब ये भेड़िया आया तभी यहां पर आई। सो कुछ ऐसा था टेरी और उसके परिवार का पहला दिन इस स्किनवॉकर रेंज के इस बने हुए घर में। खैर जैसे जैसे थोड़े थोड़े दिन बीतते रहे वैसे वैसे इस परिवार वालों ने बहुत सारी दिक्कतें यहां पर नोटिस करनी शुरू कर दी। जैसे कि आने के तकरीबन 10 दिनों बाद टेरी की पत्नी ग्वेन वो मार्केट से सामान लेने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा मार्केट में गई, जो कि वहां से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर थी, और वहां से कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेकर वापस आई। उसने सारी की सारी ग्रोसरीज अपने छोटे से पिकअप ट्रक से अनलोड करके अपने घर में बने
बने हुए कमरे के अंदर रखी, लेकिन जिसके 20 मिनट बाद ही वो भूल गई कि आखिर वो ग्रोसरीज लेकर भी आई है नहीं। उसने वापस अपना पिकअप ट्रक उठाया, वापस उसी दुकान पर गई और उस दुकान वाले ने बताया कि मैडम आप अभी तो ये सामान मेरे से लेकर गए हो, आप दोबारा लेने के लिए क्यों आए। ग्वेन ने पूछा कि क्या बात कर रहे हो, मैं तो यहां से कोई सामान नहीं लेकर गई। उस दुकान वाले ने बताया कि ये देखो मैडम आपका बिल रहा, आप मुझसे लेकर गए हो सामान। ये बात सुनकर ग्वेन वहां से बाहर निकली, अपने गाड़ी में बैठी, वापस अपने घर में आई और उसने आसपास के सारे कमरों के अंदर देखना शुरू कर दिया कि आखिर उसने सामान रखा तो रखा कहां पर। खैर कमरे चेक करते करते एक कमरे के अंदर उसने वो सामान रखा हुआ पाया। वो सामान को लेकर वापस बाहर मेन हॉल के अंदर आई जहां पर उनका वो लिविंग एरिया था। उस लिविंग एरिया में बैठकर सोचने लगी कि मैं आखिर ये सामान लेने के लिए वहां गई कब, और दूसरी सबसे बड़ी बात उसने सारा का सारा सामान इस कमरे के अंदर कब रखा, क्योंकि वो आज तक इस हवेली के सारे कमरों में तो गई ही नहीं है और पर्टिकुलरली इस कमरे के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं गई जिसके अंदर ये सामान रखा है, उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। खैर उसने अपने माइंड से बातें सारी स्किप करते हुए उसने अपना तौलिया उठाया और सीधा अपने कमरे में बने हुए वॉशरूम में गई, उसको वहां पर नहाना था। बट जैसे ही उसने अपने बाथरूम में वो तौलिया टांग कर नहाना शुरू किया और नहाने के बाद अपना तौलिया वापस संभाला तो वो तौलिया वहां से गायब था, वो तौलिया वहां पर था ही नहीं। जैसे ये तौलिया गायब होते हुए उसने देखा कि नहीं यार मैं तौलिया लेकर अंदर आई थी, मुझे अच्छे से याद है मैं अपनी अलमारी से तौलिया निकाल कर शावर लेने के लिए अंदर घुसी थी, बट अब ये तौलिया यहां से गायब है, आखिर तौलिया गया तो गया कहां पर। बट उसने नहाकर दूसरे तौलिए से अपना शरीर पोछा, अपने कपड़े डाले, कमरे से बाहर निकली और किचन में खाना वाना बनाने के लिए गई। तब उसने नोटिस किया कि किचन में लगी हुई एक स्लैब पर उसका तौलिया बिल्कुल उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है जिस कंडीशन में उसने वहां पर टांगा था। ये चीज देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गई, उसने उस तौलिया को उठाकर देखा कि हाँ यार ये तौलिया तो वही है जिसको लेकर मैं नहाने के लिए गई थी, और आखिर ये तौलिया इस किचन में कर क्या रहा है। अब ये सेकंड इंसिडेंट जैसे ही उसके साथ हुआ तो वो खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि नहीं उसको कभी भी भूलने की बीमारी थी ही नहीं कि वो चीजों को इधर उधर रखकर भूल जाए, ऐसा उसके साथ आज तक कभी नहीं हुआ, तो आखिर इस घर में आते ही उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसने जाकर ये चीज अपने पति टेरी के साथ डिस्कस करी कि मैं ऐसे ऐसे वहां सामान भी भूल आई अपना ग्रोसरी वाला, मुझे याद ही नहीं मैं लेकर भी आई हूं या नहीं, दूसरा मेरे साथ ये तौलिए वाला इंसिडेंट हुआ, मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे अंदर तो कोई बीमारी भी नहीं है। टेरी ने उसे कहा कि होता है नई प्रॉपर्टी में हम शिफ्ट हुए हैं, यहां पर एडजस्ट होने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तुम उस चीज की बिल्कुल भी दिक्कत मत लो, अपनी जिंदगी आराम से जियो। ये बात बोलकर टेरी अपने घर से बाहर निकला, उसने अपने गार्डन से अपना फेंस डिगिंग टूल जिससे हम गड्ढा वगैरह करते हैं उस गड्ढे के अंदर वो पॉल्स वगैरह गाड़ने वाला था। एक्चुअल में उसने सोचा हुआ था कि वो अपने घर के चारों तरफ ये जो फेंस लगी हुई है इसकी तारों को बदल कर नई फेंस लगाएगा और इस फेंस को लगाने के लिए उसको नए पॉल भी जमीन के अंदर गाड़ने पड़ेंगे। अब पॉल ऐसे तो गड़ेंगे नहीं कि ऊपर लगाया और हथौड़ा मार दिया, उसको जमीन के अंदर गड्ढा करना था और उसी गड्ढे को बनाने के लिए जो फेंस डिगिंग टूल वो इस्तेमाल कर रहा था उसने वो उठाया, सीधा अपनी फेंस वाली जगह पर गया, वहां जाकर उसने गड्ढे करने शुरू किए। तकरीबन 10-12 गड्ढे करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक चुका था, उसने अपनी वो मशीन वहीं पर रखी और अंदर आया, अंदर आकर कुछ खाया पिया, खाने पीने के बाद वो वापस उसी जगह पर गया जहां पर उसने अंतिम गड्ढा वो खोदा हुआ था। बट जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा उसका वो फेंस डिगिंग टूल यानी कि वो मशीन गड्ढा करने वाली वो वहां से गायब थी। ये चीज देखते ही टेरी बहुत ज्यादा हैरान, वो भागकर सीधा अंदर घर में गया, अंदर जाकर अपने परिवार वालों से पूछने लगा कि क्या कोई बाहर गया था क्या। सभी ने कहा कि हाँ हाँ हम बाहर गए थे, इधर उधर गए थे, तो क्या तुमने मेरा वो फेंस डिगिंग टूल वहां से उठाया है। बट सभी ने मना कर दिया कि नहीं हम क्या करेंगे उस फिरकी जैसी मशीन का, हमने नहीं उठाया। ये चीज देखते ही टेरी बहुत ज्यादा हैरान कि आखिर उसका फेंस डिगिंग टूल गया तो गया कहां पर। वो वापस बाहर गया, उसने देखा वो फेंस डिगिंग टूल अभी भी वहां पर मौजूद नहीं था। खैर जैसे तैसे जितने पॉल खुदे थे उससे उसके अंदर उसने फेंस लगाई और उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए बाहर की तरफ निकल पड़ा। तभी उसने नोटिस किया कि एक पेड़ जो कि सबसे बड़ा है उसके इलाके में, उसी पेड़ के ऊपर सोच कर देखिए आप, ऊपर तकरीबन 65 किलो का उसका वो फेंस डिगिंग टूल उस पेड़ के ऊपर लटक रहा है, एक टहने के ऊपर आराम से पड़ा हुआ है। ये चीज देखते ही टेरी भी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है कि आखिर क्या इस मशीन को अपने आप पैर लग गए, जो ये अपने आप चलकर इतने ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गई, कोई भी उसका परिवार वाला तो ये काम करने से रहा, किसी के पास इतना वेला टाइम नहीं है कि वो इस इतनी भारी भरकम मशीन को उठाकर ऊपर रखेगा या फिर ऊपर फेंकेगा। आखिर ये मशीन ऊपर पहुंची तो पहुंची कैसे। उसने फिर से जाकर ये चीज अपने परिवार वालों के साथ डिस्कस करी। ये चीज सुनते ही पूरा परिवार बहुत ज्यादा डर चुका था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस जमीन का रहस्य क्या है, आखिर इस हवेली का रहस्य क्या है, और इतने बड़े बड़े नट बोल्ट वाले लोग इस हवेली के हर दरवाजे में क्यों लगे हुए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आया। खैर सभी ने अपने माइंड से सब चीजें स्किप करते हुए सभी ने मिलकर खाना वाना खाया, अपने कमरे में जाकर सभी सो चुके थे। अगले दिन फिर से रात के तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास टेरी अपने घर से वापस बाहर निकला, देख रहा था कि क्या उसकी प्रॉपर्टी एकदम सही है या नहीं, साथ ही वो ये भी डिसाइड करने वाला था कि आखिर उसे फेंसिस अब किस तरीके से लगानी है। ये चीज नोटिस करते करते ही जैसे वो अपनी हवेली से कुछ दूरी पर निकला तो उसने नोटिस किया कि हवेली के पीछे वाली
तरफ कुछ लाइट्स हैं जो अंदर की तरफ चली आ रही हैं। दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक वाला है जो रास्ता भटक गया है और गलती से उसने इस प्रॉपर्टी के अंदर अपना ट्रक घुसा दिया होगा। तो यहाँ दूर खड़े होकर टेरी ने देखा कि वो ट्रक धीरे 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 पास आ रहा है और एक टाइम के बाद वो ट्रक वहीं पर रुका और वापस उसने मोड़ कर अपना यू टर्न लिया और वापस वहां से निकल गया, शायद उसको रास्ता मिल गया होगा। टेरी ने इस चीज को इग्नोर किया। बट अगले दिन शाम के टाइम पर जैसे ही टेरी वापस अपने घर से बाहर निकला, अपने घर के पीछे की तरफ गया, फिर से उसने वही लाइट्स अपने पास आती हुई देखी। लेकिन अब की बार वो श्योर था कि नहीं, ये कोई ट्रक तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार अगर बंदा रास्ता भूल सकता है, क्या हर रोज थोड़ी ना भूलेगा, हर रोज थोड़ी ना वो इस प्रॉपर्टी के अंदर अपनी गाड़ी घुसाएगा। उसने सोचा कि क्यों ना वो एक बार पास जाकर देखे, बट वो लाइट्स काफ़ी ज़्यादा दूर थी तो उसने उस चीज़ को इग्नोर किया। अगले आने वाले 4-5 दिनों तक वो लाइट्स नहीं दिखी, तो यहाँ टेरी समझ चुका था कि शायद हो सकता है कोई ट्रक वाला ही होगा जो रास्ता भटक गया होगा और उसने गलती से इन कच्चे रास्तों में अपनी गाड़ी उतार दी, उसने इग्नोर किया। बट तकरीबन 1 हफ्ते बाद उसको फिर से वही लाइट्स दिखी और वो अब की बार समझ चुका था कि नहीं, ये कोई अननोन बंदा तो हो नहीं सकता, उसको जरूर पता है इस प्रॉपर्टी के बारे में और हो सकता है वो हमारे जानवरों का शिकार करने के लिए आ रहा हो, इलीगल हंटिंग कर रहा हो हमारे इलाके में। जिसके बाद टेरी भागकर सीधा अपने घर में गया, उसने अपनी हंटिंग राइफल उठाई क्योंकि वो जाकर सीधा इस इलीगल हंटर से मिलने वाला था, क्या पता अगर वो हो सके तो उसको शूट भी कर दे क्योंकि वो इलीगली तरीके से उसकी प्रॉपर्टी में चोरी कर रहा था। वो अपनी हंटिंग राइफल उठाकर अपने घर से बाहर निकला, वापस उसी इलाके में गया जहाँ से उसको वो लाइट्स दिख रही थी सामने से आते हुए। वो धीरे धीरे अपने पैर दबाते हुए उन लाइट्स के पास जाने लगा। लाइट्स के पास जाते जाते उसने नोटिस किया कि लाइट्स भी बहुत तेजी से उसके पास आ रही हैं। जैसे जैसे वो लाइट्स पास आने लगी, टेरी एक पेड़ की आड़ में गया और छुप कर उन लाइट्स को देखने लगा। उसने अपनी बंदूक अपने कंधे से उतारी और सामने की तरफ रख दी कि जैसे ये बंदा उसके पास आएगा वो जस्ट शूट कर देगा, क्या पता ये बंदा कोई भी हो सकता है ये बंदा उसको नुकसान भी पहुंचा दे। तो यहाँ पर टेरी अपनी सेफ्टी लेकर चल रहा था। बट टेरी बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्यों? क्योंकि जैसे वो लाइट्स उसके पास आई, उसको लग रहा था कि अब उसे ट्रक की आवाज सुनाई देगी, अब उसे मशीन की आवाज सुनाई देगी, अब उसे ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई देगी, लेकिन वो लाइट्स उसके बहुत जरा पास आ चुकी थी। बट यहां पर ना ही तो कोई ट्रक उसे दिखा, ना ही उसे ट्रक की आवाज सुनाई दी। जैसे ये चीज उसने नोटिस करी, वो पेड़ से बाहर निकला, वो लाइटों के और जरा पास गया, वो नोटिस करने लगा कि आखिर ये लाइट कहां से आ रही है। उसको आसपास कुछ भी चीज नहीं दिखी, वो लाइट्स के और जरा पास गया तो जैसे ही वो लाइट्स के तकरीबन 20-30 मीटर दूर था, तभी उन लाइट्स ने पीछे की तरफ हटना शुरू किया और देखते ही देखते वो बहुत स्पीड में लाइट्स पीछे की तरफ हटी और सीधा आसमान में जाकर गायब हो गई। ये चीज देखते ही टेरी बहुत ज्यादा हैरान कि आखिर ये लाइट्स थी तो थी क्या, ये आखिर कहां से आ रही थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स इस परिवार के साथ होते रहे और अब तक सर्दियां आ चुकी थी। आपको भी पता होगा कि यूटा अमेरिका की सर्दियां पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बदनाम है। वहां पर भयंकर ठंड पड़ती है, हाड़ कपा देने वाली, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है और यही बर्फ अब इस 500 एकड़ के इलाके में यानी कि स्किन वॉकर रेंज में भी पड़ चुकी थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, पूरे परिवार वाले अब इस बर्फ का मजा भी लेने वाले थे। खैर, अब इस पूरे परिवार की ड्यूटी भी थी कि हर रात वो अपने पालतू जानवरों की गिनती करके सोएं कि आखिर सभी जानवर अपनी जगह पर सही सलामत मौजूद है या नहीं। तो जैसे ही सर्दियों की एक रात टेरी अपने जानवरों की गिनती करने के लिए पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि उनके सभी पालतू जानवरों में से एक गाय अचानक से गायब हो चुकी है। तो उस गाय के बारे में उसने अपने रजिस्टर में लिखा कि ये गाय यहां से गायब है, हो सकता है किसी परिवार वाले ने कहीं पर उसे चरने के लिए छोड़ दिया हो या फिर उसको कहीं बेचा तो ना हो। तो वो उस चीज को लिखकर सीधा अपने घर वालों के पास आया और पूछने लगा कि क्या तुमने किसी गाय का सौदा किया है या फिर कहीं उसको चरने के लिए छोड़ा है। परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हमने तो किसी गाय को हाथ नहीं लगाया और सौदा करेंगे तो तुम्हें बताकर ही करेंगे। ये चीज सुनते ही टेरी बहुत ज्यादा परेशान किया, आखिर उसकी गाय गई तो गई कहां, कल तक वो अपनी जगह पर मौजूद थी और आज गायब है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपने परिवार से डिस्कस किया कि अगली सुबह वो अपनी गाय को ढूंढने के लिए चलेंगे, अपने पूरे इलाके में छानेंगे कि आखिर उसकी गाय कहां चली गई अपने आप खुलकर। अगले दिन पूरे परिवार वालों ने मिलकर आसपास के इलाके में पूरा देखा अच्छे से, बट उनको उनकी गायें दिखाई ही नहीं दी। और आने वाले हफ्ते के अंदर तकरीबन 4 और गायें उनकी उस जगह से गायब हो चुकी थी। बट अब की बार जो चौथी गाय गायब हुई थी उसके फुटप्रिंट्स थे, वो चलकर गई थी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से पूरे परिवार वाले समझ चुके थे कि इनकी गायें कहीं हैं जो जा रही हैं, अपने आप गायब हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन फुटप्रिंट्स का पीछा करते करते देखते हैं कि आखिर उनकी गाय गई कहां पर है। और वो फुटप्रिंट्स बिल्कुल उसी इलाके में जा रहे थे, उन्हीं जंगलों में जा रहे थे जहां पर वो शुरुआत में भेड़िया भागते भागते वापस गया था और उसी जगह पर जाकर गायब हो गया था। बिल्कुल सेम चीज यहां गायों के साथ भी हुई, वो
चारों गायें इसी इलाके में गई कहीं ना कहीं। उनके फुटप्रिंट्स अलग अलग गायों के आगे मौजूद थे। शुरुआत में सिर्फ एक गाय का फुटप्रिंट था, आगे जाकर चार अलग अलग गायों के चार अलग अलग जगह पर फुटप्रिंट्स मिले, बट चारों ही गायों के एक ही जगह पर जाकर फुटप्रिंट्स अचानक से गायब हो गए। ये कैसे हो सकता है? चार इतनी बड़ी बड़ी गायें ऐसे ही हवा में कैसे गायब हो गई? पूरा परिवार इस टेंशन में आ चुका था कि आखिर उनके जानवर गायब कहां पर हो रहे हैं। अपने जानवरों को एक रात इसी तरीके से संभालते हुए टेरी अपने घर से बाहर निकला, जाकर सभी जानवरों की गिनती करने लगा, अपने रजिस्टर में लिखने लगा। तभी उसने नोटिस किया कि जो सामने यही पेड़ों वाली लाइन है, वहां पर एक अजीब सी लाइट है जो सामने अपने आप जल रही है, कभी बुझ रही है। वो लाइट बहुत ज्यादा बड़ी थी, जो पहले उसे लाइट दिख रही थी उस लाइट से तो बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो उसने सोच लिया था कि नहीं, अब तो वो फाइनली जाकर देखेगा ये लाइट आखिर है किस चीज की, क्या हो सकता है यही चीज है जो मेरे जानवरों को गायब कर रही हो सकता है कोई शिकारी हो जो मेरे जानवरों को उठा उठाकर लेकर जा रहा हो। तो उसने वापस अपनी हंटिंग राइफल कांधे पर लोड करी और अपना रजिस्टर वहीं पर बंद किया, पेन उसके अंदर ही रखा और सीधा उस लाइट की तरफ जाने लगा जहां पर वो दिख रही थी। तो जैसे जैसे वो उस लाइट के करीब गया, तब तक उसके पैरों से आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि नीचे बर्फ पड़ी हुई थी और बर्फ के अंदर जैसे वो पैर रखता उसकी आवाज साइलेंट हो जाती। वो धीरे 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 कर उस लाइट की तरफ बढ़ रहा था। आगे जाकर उसने फिर से एक पेड़ की आड़ में छुपकर उस लाइट को देखना शुरू किया। तो उसने देखा कि ये जो अजीब सी चीज है, इसके अंदर से लाइट एक्चुअल में निकल रही है और एक बहुत ही बड़ी चीज है जो ऊपर हवा में तकरीबन 20 फुट ऊंची हवा में आराम से तैर रही है। वो नीचे नहीं गिर रही और ऊपर भी नहीं जा रही, कोई भी आवाज उसके अंदर से नहीं आ रही। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज अपने आप हवा में कैसे लटक रही है और इसके अंदर से लाइट क्यों निकल रही है? ऐसा लग रहा था जैसे उस चीज से निकलने वाली लाइट नीचे आकर ये जो पेड़ है उन चीजों को स्कैन कर रही हो। खैर, जैसे ये चीज टेरी ने देखी, वो चीज उसके लिए बहुत ज्यादा डराने वाली थी। वो साइड में हटा, लेकिन जैसे ही वो साइड में हटा उसके पैरों से हल्की सी आवाज हुई और हल्की सी आवाज होते ही वो वापस डर कर इसी पेड़ के पीछे आकर छुप गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है कहीं ये चीज उसके पास भी ना आ जाए। बट ये चीज, ये छोटी सी आवाज उस उड़ती हुई चीज ने सुन ली थी और जो लाइट अभी तक उन ट्रीज लाइन पर आ रही थी, वो नीचे जंगलों में आ रही थी, वो लाइट अब सीधा टेरी को फेस करने लगी। लाइट अपने मुंह पर आते ही टेरी बहुत ज्यादा डर गया। उसके माइंड में लग रहा था कि हो सकता है ये अब उसे भी उठाकर ले जाएंगे, जो भी ये बंदे हैं ये उसको नहीं छोड़ने वाले। खैर, टेरी ने डरते डरते अपनी कांधे से अपनी राइफल उतारी और उनकी तरफ शूट करने की कोशिश करी, लेकिन इससे पहले कि वो शूट कर पाता वो लाइट वहां से गायब हुई और वो जो चीज ऊपर उड़ रही थी वो बहुत तेजी से ऊपर हवा में गायब हो गई। 1995 की गर्मियां आते आते इस परिवार के लिए चीजें और ज्यादा बुरी हो चुकी थी, क्योंकि वो जो गाय उनकी गायब हुई थी तकरीबन एक साल बाद, जी हाँ, जो एक साल बीता 1994 से लेकर 1995 का, 1995 की गर्मियों में जो 5 गायें उनकी गायब हुई थी एक साल पहले, वो अचानक से ही उनकी प्रॉपर्टी में वापस आ चुकी थी। जैसे ये चीज इस परिवार ने नोटिस करी, वो तो उन गायों को भूल भी चुके थे, उनको ये चीज याद ही नहीं थी कि उनकी गायें कभी गायब हुई थी, बट अपनी गायों को वापस देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थे। बट एक चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों? क्योंकि जो भी गाय उनकी गायब हुई थी उन गायों के ऊपर पेट पर बहुत ही एक शार्प कट लगा हुआ था, बहुत लंबा एक कट था और ऐसा लग रहा था जैसे इस कट को बहुत ही सटीकता से लगाया गया हो, एकदम स्ट्रेट। इस चीज को देखकर ये परिवार एक बात के लिए तो श्योर हो चुका था कि नहीं, ये कट जिसने भी लगाया है ये जानवर तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जानवर इतना सटीकता से इतना साफ कट तो लगाएगा नहीं, ये जिसने भी लगाया है वो बहुत ज्यादा हुनर है इस तरीके के कट्स को लगाने में। इसके अलावा 2 गायों के शरीर पर अजीब से निशान भी बनाए गए थे। ये निशान किस चीज से बनाए गए थे आज तक समझ नहीं आया। बट जैसे ये गायें इनके प्रॉपर्टी में वापस आई, इसके बाद तो चीजें और ज्यादा बिगड़नी शुरू हो गई इस परिवार के लिए। जी हाँ, 1995 की गर्मियों में एक रात टेरी और उसका परिवार आराम से अपने घर के अंदर सो रहा था, तब उन्होंने नोटिस किया कि कोई है जो उनके हवेली के चारों तरफ घूम रहा है। टेरी तुरंत उठकर अपने कमरे से बाहर आया, अलग अलग परिवार वालों के कमरों में जाकर उन सबको जगाया कि आखिर क्या तुमने भी वो आवाजें सुनी हैं जो मैंने सुनी हैं? कोई है जो हमारी प्रॉपर्टी के चारों तरफ घूम रहा है? सारे परिवार वाले उठे, सभी ने आसपास देखना शुरू किया, जाकर सभी खिड़कियों के ऊपर कि आखिर उनको कोई बाहर दिखाई देता है या नहीं देता, क्योंकि इतनी रात को कोई भी हवेली से बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो सभी खिड़कियों से ही देख रहे थे कि बाहर उन्हें क्या दिखाई देता है। तो टेरी भी ऐसे ही एक कमरे की खिड़की में बाहर जाकर उसने कुछ इस तरीके से अपना हाथ अपने मुंह पर लगाया और बाहर की तरफ देखने लगा खिड़की में, बीच में शीशा था। तभी उसके सामने एक अजीब सी फिगर इतनी तेजी से उसके सामने आई और उस फिगर ने लिटरली उस टाइम पर
टेरी को इतना ज्यादा डरा दिया कि वो कूद कर पीछे की तरफ जाकर पड़ा। उस टाइम पर टेरी ने यह चीज नोटिस करी कि जो भी फिगर उसके सामने आई थी इस तरीके से, वो फिगर कोई इंसान की तो थी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सिर था ही नहीं, जो सिर की शेप में चीज थी, ना ही उसमें आंख थी, ना ही उसमें नाक था, वो कुछ अजीब सा ही था। टेरी बहुत ज्यादा डर चुका था, बट इसके बाद से ही उन्होंने रातों के टाइम पर इस तरीके से बाहर अजीब अजीब चीजों के घूमने की आवाजें आने लगी, वो चीजें आपस में बात कर रही थी, उनकी आवाजें लिटरली अंदर बैठे टेरी और उसके परिवार को सुनाई दे रही हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बाहर मौजूद लोग ये जो भी चीजें हैं आपस में बात क्या कर रहे हैं। उसके बाद से ही टेरी और उसके परिवार ने वो जो हर दरवाजे में नट बोल्ट्स लगे हुए थे उन लॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर रात टेरी और उसका परिवार उन नट बोल्ट्स को रात को कसकर सोता और तभी उनको आराम से नींद आती। इसके बाद से ही टेरी और उसके परिवार को समझ आया कि जो भी पहले इस हवेली के मालिक थे, क्यों उन्होंने हर दरवाजे के अंदर नट बोल्ट वाले लॉक लगवा रखे थे इतने मोटे मोटे। ये जो भी चीजें अब उनके सामने आ रही थी, ये चीजें लिटरली पहले जितने भी परिवार इस हवेली में रहे हैं उनके सामने भी आई होगी, वो भी बहुत ज्यादा डरे होंगे इन चीजों से, और अपने आप को बचाने के लिए ही उन्होंने इतनी मजबूती से इस हवेली को बनवाया होगा। इन चीजों से परेशान होकर टेरी सोच में आ गया कि आखिर उसे अब आगे क्या करना चाहिए। उसे अपनी भी सुरक्षा करनी थी, उसे अपने परिवार वालों को भी संभालना था। इसी चिंता को लेकर उसने अपनी वापस हंटिंग राइफल अपने कंधे पर लोड करी और अपनी हवेली के बाहर जाकर बैठ गया। वो वापस उसी सामने जंगल को देख रहा था, जो जंगल उसको सबसे ज्यादा तक डराता आया था। तभी उसने उस जंगल के बराबर में ही हवा में ही ऊपर एक अजीब सा ऑरेंज कलर का गोला बनते हुए देखा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा में ही गोलाकार शेप में आग लगा दी हो, और देखते ही देखते लिटरली टेरी की आंखों के सामने वो गोला उसके बीच में अचानक से छेद हुआ। अब वो जो रिंग ऑफ फायर बन चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छल्ले के आकार में आग लगा दी हो, और जैसे ही वो गोला एक छल्ला बना तभी उसने देखा कि इस गोले के बीच में अजीब सी नीले कलर की चीज है, और उन नीले कलर की चीज के अंदर से बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर निकल रही हैं इस तरीके से क्रॉल कर करके। टेरी ने इसी पॉइंट पर आकर लिटरली उसको पोर्टल ऑफ हेल का नाम दिया, जहां उसने देखा सामने से कि बहुत सारी एंटिटीज हैं जो चार पैरों के ऊपर निकलते हुए, अजीब सा फेस उनका, वो चार पैरों से निकलते हुए रेंगते हुए इस पोर्टल से बाहर निकल रही हैं। और जब सारी चीजें बाहर निकल गई तभी एक बहुत बड़ी उड़ती हुई चीज भी उस पोर्टल से बाहर निकली, और जैसे ही वो चीज बाहर निकली वो आग का गोला वहां से गायब हो गया। ये चीज देखते ही टेरी बहुत ज्यादा डर गया कि आखिर सामने उसके क्या हो रहा है। उसने अपनी हंटिंग राइफल हाथ में तो पकड़ी हुई थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चलाए तो चलाए किसके ऊपर। बट जैसे ये ऑरेंज कलर का गोला गायब हुआ, उसके तुरंत बाद ही कुछ मिनट बाद एक नीले रंग का गोला सामने बिल्कुल उसी जगह पर पनपने लगा, उसी जगह पर बनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात के टाइम पर आसमान में नीले रंग की आग लगा दी हो। और टेरी और उसके परिवार वालों ने बताया कि ये जो नीले रंग का गोला था, यही आज तक की उनके सबसे खतरनाक चीज थी जो उन्होंने इस पूरी हवेली में रहते हुए एक्सपीरियंस करी। जी हाँ, जैसे वो नीले रंग का आग का पहले गोला बना, बाद में वो नीले रंग की एक छल्ला बन चुका था, और उस छल्ले के अंदर से बहुत सारी एंटिटीज दो पैरों पर निकलते हुए बाहर की तरफ आई। और लिटरली ये वही चीज थी जो कुछ टाइम पहले टेरी ने रात को अपनी खिड़की के बाहर देखी थी। टेरी अब समझ चुका था जो चीज उसने देखी है वो यहीं से यहां आ रही है और यहीं पर वापस जाकर गायब हो जाएगी। बेचारे इस पूरे परिवार को अब इन चीजों की लिटरली आदत पड़ चुकी थी कि सामने से कोई भी आता है उनके दरवाजों को खटखटाता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, बट टेरी और उसका परिवार यहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बट अब अपनी सेफ्टी के लिए टेरी ने ना सिर्फ अपने साथ राइफल रखनी शुरू कर दी, इसके अलावा रात को अपनी प्रॉपर्टी को संभालते हुए वो अपने साथ अपने तीन डॉग्स को भी साथ में ही घुमाने लेकर जाता। और ऐसे ही एक रात जैसे ही वो अपने तीन डॉग्स को साथ लेकर अपनी प्रॉपर्टी के चक्कर लगा रहा था, जैसे ही उसने वापस उस ट्री लाइन पर देखा, सामने बने हुए जंगल को देखा, उसने नोटिस किया कि वापस वो नीले रंग का गोला वहां पर बनने लगा है। वो पहले ही समझ चुका था कि ये अब गोला बनेगा, फिर ये छल्ला बनेगा, इसके अंदर से बहुत सारी चीजें बाहर निकलेंगी और ये छल्ला गायब हो जाएगा। अब ना सिर्फ टेरी इस चीज को देख रहा था बल्कि उसके तीनों डॉग्स भी उस नीले रंग के छल्ले को देख रहे थे, और उस छल्ले को देखते ही इन तीनों डॉग्स ने भौंकना शुरू कर दिया। वो बहुत जोर लगा रहे थे टेरी को अपने आप से छुड़वाने का, क्योंकि वो उसकी भागना चाहते थे। टेरी ने जैसे ये चीज नोटिस करी, उसने उन तीनों की रस्सी छोड़ दी और तीनों के तीनों डॉग्स बहुत तेजी से उस नीले रंग के गोले की तरफ भागते हुए गए। और जैसे ही वो तीनों डॉग उस छल्ले की तरफ गए, नीले रंग के छल्ले के पास पहुंचे, तभी वो छल्ला एक सेकंड में ही गायब हो गया।
ये चीज देखते ही टेरी को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि यार ये तो कमाल हो गया, पहली बार इतने टाइम में मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ जीता है, मेरे डॉग्स ने कमाल कर दिया, उन चीजों को यहां से भगा दिया, वो चीज हो सकता है शायद मेरे डॉग से डर गई हो। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, उसने अपने डॉग्स को वापस आने के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी, बट उसके डॉग वापस नहीं आए। उसको लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी है, आराम से घूम फिर कर वापस अपने जगह पर आ जाएंगे रात को। तो वो इस खुशी को लेकर अपने घर में घुसा, जाकर अपने परिवार वालों को बताया कि आखिर अभी बाहर क्या हुआ। उसने बता दिया कि सुबह होते होते उसने बताया अपने परिवार वालों को कि उसके डॉग अभी भी बाहर घूम रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं हमारी इस प्रॉपर्टी की, और सुबह हम उनको आराम से जाकर संभाल लेंगे। बट सुबह हो चुकी थी, पूरा परिवार घर से बाहर निकला, लेकिन उनके डॉग्स उनकी जगह पर मौजूद ही नहीं थे। पूरे परिवार वालों ने मिलकर डॉग्स को इधर उधर देखना शुरू किया। टेरी उसी डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में भागते हुए उसके डॉग्स गए थे, उस नीली चीज को भगाने के लिए। तो जैसे ही वो उस डायरेक्शन में पहुंचा, लिटरली तकरीबन उस ट्री लाइन से तकरीबन 150 मीटर पहले ही उसको तीन अलग अलग छोटे छोटे राखों के स्टैक्स बने हुए दिखाई दिए। जी हाँ, तीन अलग अलग जगहों पर राख पड़ी हुई थी, जली हुई। और जैसे ही टेरी ने यह चीज देखी, वो समझ चुका था कि उसके डॉग्स रात को ही उस नीली चीज की वजह से लिटरली वेपोराइज हो गए, वो हवा में ही भाप बनकर उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता था, सिर्फ उनकी राख राख बची हुई थी। टेरी ने अभी भी हाथ लगाकर देखा, वो राख अभी भी गर्म थी। आखिर वो डॉग्स गए तो गए कहाँ, उनके साथ इस तरीके से आखिर क्या हुआ। अपने डॉग्स के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद से टेरी और उसके परिवार ने फाइनली ये सोचा कि नहीं, वो और ज़्यादा टाइम इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं बिता सकते। उन्होंने फाइनली वापस इस प्रॉपर्टी को सेल के लिए डाल दिया, और लिटरली उन्होंने अपनी एड के अंदर सब कुछ लिखा कि आखिर उन्होंने इस प्रॉपर्टी में रहते हुए क्या क्या फेस किया है, क्योंकि वो किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहते थे कि वो किसी को भी ऐसे बिना बताए प्रॉपर्टी बेच दे और बाद में उसके साथ भी सब कुछ हो, तो आखिर वो बाद में बंदा टेरी को गालियां ही देगा। तो उन्होंने सब कुछ पहले ही बता दिया कि आखिर वो इस चीज में क्या क्या फेस कर रहे हैं। बट उस टाइम पर अमेरिका के बिलियनेयर रॉबर्ट बिगलो नाम के व्यक्ति ने चीज देखी कि ये प्रॉपर्टी सेल के लिए है। उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पहले से ही इस प्रॉपर्टी के अंदर, वो पहले भी इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहा था, बट उससे पहले ही टेरी ने इसको खरीद लिया। तो जैसे ही उसने देखा कि टेरी से बेच रहा है, वो अपना तामझाम उठाकर टेरी के पास पहुंचा। उसने कहा कि हां हां, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूं, मेरा इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी लूंगा, बल्कि इसके अंदर अपना एक रिसर्च सेंटर खोलूंगा। यहां पर मैं बहुत सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, पीएचडी जो भी कर रहे हैं लोग इस फील्ड में, वो यहां पर आकर सारे रिसर्च करेंगे कि आखिर इस प्रॉपर्टी में क्या अजीब है। एक्चुअल में रॉबर्ट पैरानॉर्मल चीजों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था पहले से ही, और उसका इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उसने इस प्रॉपर्टी को खरीदने का सोचा। ये बात सुनते ही टेरी भी बहुत ज्यादा खुश कि हां, उसका इस प्रॉपर्टी से पीछा छुड़ेगा, उसका परिवार सेफ रहेगा। टेरी ने रॉबर्ट के साथ डील करी और रॉबर्ट को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। बट टेरी ने जब रॉबर्ट से पूछा कि तुम इसका क्या करोगे, और रॉबर्ट ने बताया था कि उसको वो यहां पर रिसर्च सेंटर खोलेगा और देखेगा कि आखिर इस प्रॉपर्टी में क्या अजीब है। ये चीज सुनते ही टेरी के अंदर भी एक इच्छा सी हुई कि वो भी जाने कि आखिर इस प्रॉपर्टी में क्या अजीब है। उसने रॉबर्ट के सामने रिक्वेस्ट रखी कि देखो रॉबर्ट, मैं तुमको ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, बट क्या अगर तुम्हारी इजाजत हो तो सिर्फ मैं, मेरा परिवार नहीं, सिर्फ मैं इस प्रॉपर्टी में रह सकता हूं क्या? मुझे देखना है आखिर कि जो तुम रिसर्च करोगे यहां पर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, आखिर इस प्रॉपर्टी में अजीब क्या है। रॉबर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक काम करो, यहाँ स्किन वॉकर रेंज के मैनेजर बन के यहाँ पर रहो और तुम देखो कि आखिर यहाँ पर क्या निकलेगा। रॉबर्ट ने टेरी को भी हायर किया और उसकी अब रिसर्च की टीम, बहुत सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, पीएचडी जो भी स्टूडेंट कर रहे थे, वो सारे अब यहाँ पर आकर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाया और वो इस जगह के ऊपर रिसर्च करने लगे, देखने लगे कि आखिर यहाँ पर क्या मिलने वाला है। टेरी का परिवार यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुका था, बट टेरी अभी भी इसी प्रॉपर्टी में रह रहा था इन साइंटिस्ट के साथ, वो भी देखने वाला था कि अब यहां से क्या निकलेगा। तो जितने भी यहां पर साइंटिस्ट आए थे, उन सभी ने टेरी और उसके परिवार की सारी बातें तो सुनी, बट उनमें से किसी ने भी टेरी और उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। वो ये चाहते थे कि जो भी टेरी के और उसके परिवार के साथ हुआ है, वो एक्चुअल में उनके साथ भी हो, तभी वो इस चीज के ऊपर विश्वास करेंगे और तभी उसके ऊपर आगे रिसर्च करेंगे कि आखिर ये सच है भी या नहीं। उन्होंने सबसे पहले पूरी प्रॉपर्टी में लगे हुए पेड़ों को ही देखा कि कहीं कोई ऐसा पेड़ तो यहां पर नहीं लगा हुआ जिसके अंदर से कोई अजीब सी गैस निकलती हो, जिससे पूरा परिवार जब उसमें सांस लेता हो तो उनके साथ ये सब कुछ हो रहा हो, उनको अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हों। बट ऐसा कोई भी पेड़ उनको वहाँ नहीं मिला। इसके अलावा पूरी प्रॉपर्टी में जितनी भी पाइपलाइन बिछी हुई थी, उन पाइप्स के अंदर बहने वाले पानी को भी टेस्ट किया गया कि क्या पता कुछ पानी के अंदर ही मिला हुआ हो जिससे परिवार ये सब कुछ नोटिस कर रहा हो, बट पानी भी एकदम ओके मिला। इसके अलावा पूरे परिवार का साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया, उस साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी पूरा परिवार पास हुआ, ये कोई मेंटल नहीं थे, जो भी हो रहा था इनके सामने सच में हो रहा था। तो पहले साल में तो उनको कुछ भी खास इस पूरी प्रॉपर्टी में नहीं मिला, जस्ट उनको कुछ लाइट्स वगैरह तो भले ही उस ट्री लाइन के ऊपर दिख जाती थी, उसके अलावा कुछ भी खास इस टीम को नहीं मिला।
बट एक साल बाद ऐसी एक दिन टेरी इस पूरी प्रॉपर्टी में मौजूद जो भी जानवर इस रिसर्च टीम ने रखे हुए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ जानवरों के साथ ही हो रही थी, तो ऐसे ही बहुत सारे पालतू जानवरों को ये टेरी अलग अलग टैग्स लगा रहा था। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे भारत में भी काफ़ी सारे गायों के ऊपर, भैंसों के ऊपर कानों में उनका वो एक येलो कलर का टैग सा डाला जाता है, जिससे उनकी पहचान हो जाती है कि आखिर ये गाय कौन सी है और कौन सी ब्रीड है इसकी और कब इसका जन्म हुआ था, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस टैग के अंदर होती है। तो जैसे ये टेरी अलग अलग टैग्स अलग अलग सभी जानवरों के ऊपर लगा रहा था, उसका कोई भी ध्यान नहीं था पर्टिकुलरली किसी भी जानवर के ऊपर, वो रैंडमली सभी के ऊपर बस वो टैग लगाता जा रहा था। टैग लगाते हुए तकरीबन 40 मिनटों बाद उसका ही पालतू डॉग एकदम से बहुत जोर से भौंकने लग गया। एक गाय को देखकर उसने बहुत तेजी से भौंकना शुरू कर दिया। जैसे ही टेरी का भी ध्यान उस गाय की तरफ गया, वो तुरंत अपने सारे टैग वहीं फेंक कर तुरंत भाग कर उस गाय के पास गया, देखने लगा कि आखिर इस गाय में क्या अजीब है। तो उसने नोटिस किया कि जिस कान के ऊपर, जिस गाय के कान के ऊपर उसने वो टैग लगाया था, इस गाय का वही कान कटा हुआ है, उसके अंदर से खून निकल रहा है। इसके अलावा उसके पेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सर्जिकल कट लगा हुआ है, एकदम सटीक एकदम सीधा। जैसे ये चीज उसने देखी, वो तुरंत भाग कर रिसर्चर्स की टीम के पास गया। उन्होंने बताया कि जाकर देखो उस गाय के ऊपर अभी अभी किसी ने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, आप इस चीज को जाकर देखिए वहां क्या हुआ है। इस गाय को इस हालत में देखते ही सारे साइंटिस्ट ये समझ चुके थे कि कोई भी नौसिखिया व्यक्ति तो इस तरीके का सटीक कट नहीं लगा सकता। दूसरी बात, इस तरीके का कट लगाने के लिए ऑपरेशन टेबल वगैरह वहां पर होनी चाहिए, और इस गाय को उठाकर लेकर जाना इतना टाइम कोई 40 मिनटों के अंदर कर ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज यहां पर हुई थी, तो आखिर ये गाय के ऊपर कट यहाँ किसने लगाया? और बिल्कुल यही चीज तो ये सारे रिसर्चर चाह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो और वह यहाँ बैठकर इसके ऊपर रिसर्च करे कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। बट उससे पहले इन सभी को ये भी देखना था कि आखिर ये सब किया किसने है। वो ये तो देख लेंगे कि इसके साथ क्या हुआ है, इस गाय के साथ क्या हुआ है, बट ये करने वाला आखिर है कौन। सारे रिसर्चर्स की टीम इस पूरी प्रॉपर्टी में अलग अलग जगहों पर फैल गई। टेरी के साथ भी 3-4 साइंटिस्ट उसी ट्री लाइन वाले इलाके में गए जहां से सारा कुछ शुरू हुआ था, जहां से वो अजीब अजीब चीजें उनको दिखनी शुरू हुई थी। तो जैसे ही टेरी और वो 3-4 साइंटिस्ट मिलकर उस ट्री लाइन वाली जगह पर गए, उस जंगली इलाके में गए, तभी टेरी ने सामने की तरफ एक बहुत ही बड़े भेड़िये को देखा जो कि अपने दो पैरों के ऊपर चल रहा था। वही भेड़िया जो इस टेरी को सबसे पहले दिन इस प्रॉपर्टी में जब वो शिफ्ट हो रहे थे, एक्चुअल में वही भेड़िया अब फिर से टेरी को दिख रहा था। उसने तुरंत अपने रिसर्चर्स की टीम को बताया कि तुरंत वहां देखो वो भेड़िया, क्या तुमको भी दिख रहा है? सभी रिसर्चर्स की टीम ने कहा कि हाँ हमें भी दिख रहा है, और ये कोई नेचुरल नहीं है, ये बिल्कुल भी इस धरती का है ही नहीं, ये कुछ और ही है। जिसके बाद टेरी ने उसी भेड़िये के ऊपर फिर से अपनी राइफल चलानी शुरू कर दी, और वो राइफल की आवाज़ सुनकर वो भेड़िया जंगलों में ही कहीं गायब हो गया। रिसर्चर्स की टीम ने उसका पीछा भी करना शुरू किया, बट पीछे सिर्फ उसके एक बहुत ही गंदी स्मेल सी बची हुई थी। वो भेड़िया वहां से गायब हो चुका था, उनको वो भेड़िया बाद में फिर कभी नहीं दिखा। खैर, वहां से निकलकर वो वापस अपने हेडक्वार्टर्स में आ चुके थे। कुछ दिनों बाद ऐसे ही टेरी और उसके साथ 3-4 साइंटिस्ट और मिलकर एक गाड़ी के अंदर बैठकर सभी जानवरों की गिनती कर रहे थे। एक्चुअल में इस टाइम पर वो अपने इस प्रॉपर्टी में 4 नए बुल्स, बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही हैवी बुल्स इसी जगह पर लाकर उन्होंने खड़े किए थे, और डेली वो इन बुल्स की भी काउंटिंग अपने रजिस्टर में करते कि आखिर में उन बुल्स की लोकेशन क्या है पूरे दिन में। तो जस्ट डेली रूटीन के मुताबिक दोपहर के टाइम पर वो रिसर्चर्स और टेरी उस गाड़ी में बैठकर उन बुल्स की भी काउंटिंग करते हुए आगे की तरफ निकले और जानवरों के पास। तो जैसे वो सारों की काउंटिंग करते हुए वापस आए, तब उन्होंने नोटिस किया कि यार ये अपने बुल्स को तो चारों को अभी यहीं छोड़कर गए थे, इतने महंगे महंगे बुल्स, वो एकदम से कहां गायब हो गए, कहां चले गए वो आखिर। ये चीज देखते ही टेरी भी गाड़ी से बाहर निकला, तीनों साइंटिस्ट भी गाड़ी से बाहर निकले, इधर उधर देखने लगे कि आखिर वो बुल्स गए तो गए कहां। अपने इस चीज की शिकायत करने के लिए वो हेडक्वार्टर्स जा ही रहे थे, वो सेंटर में जा रहे थे अपने मैनेजर को रिपोर्ट करने कि यहां से बुल्स गायब हो गए हैं। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनके बिल्डिंग के बाहर एक ट्रेलर जो काफी टाइम से यहीं पर खड़ा है, टेरी ने इसको कई सालों पहले यहां पर लाकर खड़ा किया था, उस ट्रेलर से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। तो जैसे ही टेरी और उन रिसर्चर्स की टीम ने उस ट्रेलर के ऊपर चढ़कर देखा, तो वो चारों बुल्स उस छोटे से ट्रेलर में आराम से लेटे हुए थे। बट वो कोई खुली जगह नहीं थी, वो बहुत ज्यादा तंग जगह थी। ट्रेलर आप सोच ही सकते हैं, छोटा सा ट्रेलर था, और चार बड़े बड़े बुल्स, चार बड़े बड़े जानवर इतने छोटे से ट्रेलर में कैसे समा गए, अभी तक किसी को समझ नहीं आया। और दूसरी बड़ी बात, ये एक्चुअल में इतनी दूर से चलकर अपने आप इस ट्रेलर में कैसे आ गए। और तीसरी बड़ी बात, आखिर ये किया किसने? एक बुल को भी चढ़ाना इस ट्रेलर के अंदर हलवा नहीं है, चारों को इतनी शांति से चढ़ा दिया कि किसी ने आवाज तक नहीं सुनी, ऐसा कैसे हो सकता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस थे जो इस प्रॉपर्टी के अंदर हुए। अगर मैं उनको बताने लग जाऊँ तो लिटरली ये वीडियो बहुत बहुत लंबी बनेगी, तकरीबन 2-2.5 घंटों की। आप इसके ऊपर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ भी देख सकते हैं। एक इंसिडेंट उनमें से मुझे याद आ रहा है 1997 के एंड में हुआ था, जब दो ऐसे ही रिसर्चर्स, एक्चुअल में इस पूरे हेडक्वार्टर की टीम का नियम था कि रात को कोई भी हेडक्वार्टर के अंदर नहीं रुकेगा, क्योंकि सारे के सारे इंसिडेंट रात को ही होने वाले थे। तो सारे के सारे रिसर्चर्स पूरे इलाके में फैल जाया करते थे, और ऐसे ही दो रिसर्चर जब ऐसे ही अपनी ड्यूटी पर थे, अपनी पोस्ट पर बैठे हुए थे, आराम से वेट कर रहे थे कुछ होने का, तभी उनके सामने वही ऑरेंज कलर का आग का गोला बना और वो गोला जल्दी छल्ले में तब्दील हो गया और उसके अंदर से काफी सारी चीजें रेंगते हुए चारों पैरों पर बाहर की तरफ निकली, और उनमें से एक एंटिटी तो लिटरली उन दोनों रिसर्चर के सामने तकरीबन 30 फुट आगे से बहुत तेजी से भागते हुए गई। अगर उस टाइम पर ये दोनों रिसर्चर छोटी सी भी आवाज निकाल देते तो उस एंटिटी का ध्यान उनकी तरफ चला जाता और हो सकता है वो दोनों रिसर्चर्स आज हमारे बीच में ना होते। ऐसे बहुत सारे फुटेजेस हैं जो इस प्रॉपर्टी में रहते हुए रिसर्चर्स द्वारा कैमरे के अंदर शूट की गई। ऐसे बहुत सारी फोटोज हैं जो इस प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए क्लिक की गई, बट फिर भी कुछ कंक्लूजन आज तक इसका नहीं निकला। हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पब्लिक से आज भी छुपाई गई हैं। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रॉपर्टी में रहते हुए कंपास भी काम नहीं करता। जी हाँ, वही कंपास जिसे हम नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाते हैं। सो 2004 तक वो रिसर्चर्स की टीम इस प्रॉपर्टी पर रही। तकरीबन 10 साल उन्होंने इस पूरे इलाके पर अपनी छानबीन करी, अपनी खोजबीन करी। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने, खुफिया डॉक्यूमेंट्स इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाए जो आज भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। सो जो भी पब्लिक किया गया है वो मैंने आपको बताया, उसमें से मोटा मोटा तो बता ही दिया। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रहा है। सो मुझे आपके राय जाननी है कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपको मुझे बताना है कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या है, क्या अजीब है इस प्रॉपर्टी के अंदर। यही एकमात्र प्रॉपर्टी ऐसी है पूरी दुनिया में जहां जाकर आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज देख सकते हैं, बहुत ही अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देख सकते हैं, वो भी अपनी आंखों के सामने। सो आप मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। वहां पर मैं इसी तरीके की स्टोरीज रील्स में डालता हूं, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। और पिछली वीडियो का शाउट आउट आप सभी को जिन्होंने पिछली वीडियो पर इतना सपोर्ट दिखाया यार, मेरे लिए इतना स्टैंड लिया। सो थैंक यू सो मच यार, आप सभी को मजा आ गया आपका सपोर्ट देखकर। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।